जी, TSH में कौन कौन सी जो प्राइमरी यहाँ पे सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करी जा रही है? दी स्पोर्ट्स हब जिसे आप TSH कह रहे हैं, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है, एक क्लब और स्पोर्ट्स। क्लब के अलावा हमने इसको दिया है क्लब कोचिंग एंड कॉम्पिटिशन। जो स्पोर्ट्स हैं 22 स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं, जिसमें कि सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के FOP हैं, मतलब फील्ड अप्ले सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, और सभी कोचेस, सभी FOP किसी न किसी कोच के अंडर में गाइडेड एनवायरनमेंट में है। जो क्लब है हमारा, उसमें हमारा एक बैंक्वेट हॉल है और कैफेटेरिया और फाइन डाइन एरिया है। तो दो सेक्शन है, जोन 1 जोन 2। जोन 1 इज हॉस्पिटैलिटी एरिया, जोन 2 इज स्पोर्ट्स एरिया। ओके, और प्रदीप जी, अक्सर देखा गया है कि अगर कानपुर नगर की बात हो तो अभी भी बहुत ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हालांकि बच्चों में अब काफ़ी ज़्यादा जागरूकता आ गई है। एक बच्चा आपके यहाँ अगर कोई भी स्पोर्ट्स करने आता है तो कितना सुरक्षित है, और उसकी हॉस्पिटैलिटी कैसे आप लोग यहाँ पे करते हैं? सिक्योरिटी पर्पस बहुत बड़ा इशू होता है। आपको जान के ये हर्ष होगा कि हम लोग के लिए एक ऑब्लिगेशन है कि हम 1000 बच्चों को पूरे वर्ष में फ्री ट्रेनिंग देते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, और वो स्पोर्ट्स हैं 16 ओलंपिक स्पोर्ट्स, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो उसके अंतर्गत एक स्कीम है EWS, इकोनॉमिकली वीक स्पोर्ट्स पर्सन, उनको हम लोग 1000 बच्चों को पूरे वर्ष में फ्री ट्रेनिंग देते हैं। जहाँ तक रही सुरक्षा की बात, हर स्पोर्ट्स में एक क्वालिफाइड कोच है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, वो क्वालिफाइड कोच हमारे यहाँ सभी स्पोर्ट्स में हैं, उनके अंडर में कोचिंग होती है। तो नेचुरली वो उतने ही सेफ हैं जितने एक बाहर के ग्राउंड में। बस केवल प्रतिबंध यहाँ पर ये है कि EWS के अलावा जो मेंबर्स आते हैं, केवल उनके बच्चों को या उनको ही अलाउड है खेलने के लिए।